आज हम लोग भारतीय इतिहास शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो भारतीय इतिहास का बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को दो भाग में बांटा गया है, या इतिहास को दो भाग में बांटा गया है। एक कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास इसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक हैं, और एक है ऐतिहासिक इसको हम लोग हिस्टोरिक एज कहते हैं। ये 600 BC से के बाद है जो अब तक का समय है। कल मैंने चर्चा भी किया था, 12 क्लास में चर्चा किया था। और प्रागैतिहासिक काल जो है वो 600 BC से, यह कहा था मैंने कल कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट आज की क्लास में बताऊंगा प्रागैतिहासिक इतिहास। यह है आपका प्री हिस्टोरिक एज। देखिए ये जो आज हम लोग प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ेंगे, एक चीज बता देते हैं जो पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और आगे मैं बोल रहा हूँ, पहले बोला रिटेन साक्ष्य नहीं है, और यहाँ क्या है लिखित साक्ष्य है। हमारा जो मानव इतिहास का जो कालक्रम है उसमें मात्र 0.1% भाग ही इतिहास लिखा हुआ है, लिखित सोर्स है। जानकर आश्चर्य होगा कि 99.9% जो पार्ट है वो अनरिटेन है। आप तो जानिएगा कि जो रिटेन हिस्ट्री है वो मात्र 0.1% है, और जो अनरिटेन है, जो जिसे हम जिसकी जानकारी हमें पुरातत्व से मिलती है, वो 99.9% है, अनरिटेन इविडेंस है यहाँ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रागैतिहासिक इतिहास का कितना महत्व है। मन को टटोलने के लिए यहां हमें लिखावट नहीं, उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष या सामग्री के आधार पर, मेटेरियल रिमेंस के आधार पर, भौतिक अवशेष के आधार पर हम लोग पता करते हैं कि वो क्या सोचते थे, उनके कैसे वो रहते थे। ये सारा चीज हमें उनके मेटेरियल भौतिक अवशेष से, रिमेंस से पता चलता है। देखिए प्रागैतिहासिक जो काल है भारत है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक भारत को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक है स्टोन एज, पाषाण युग, स्टोन एज, और एक है धातु युग। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, या मंच या संस्था आप लोगों को ISPCS की तैयारी कराती है, मैंने पहले दिन भी कहा था, और जो इंट्रेंस एग्जाम JNU का हुआ, चाहे जो भी, चाहे इतिहास विषय से जो छात्र स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, जहाँ प्रवेश परीक्षा आजकल बहुत सुनिश्चित कर दिया गया है, और मैंने ये भी कहा था कि NTA UGC का जो भी यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। लेकिन जो प्रश्नों का स्वरूप होता है, संघ लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का, और NTA का जो UGC का स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए हम जो पढ़ा रहे हैं, या ISPCS के लिए जो पढ़ा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन नेट में क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में जाता है। मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप लोगों का डिमांड हुआ कि नेट के लिए सर कुछ जो तथ्यात्मक है जानकारी आप मुझे, तो उसके लिए मैं कुछ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा क्लास वीडियो ले लें, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में का क्वेश्चंस का नेचर डिफरेंट होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस का भी नेचर डिफरेंट होता है। हम क्वेश्चंस के नेचर के आधार पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग की बात है तो प्रागैतिहासिक भारत से वो क्वेश्चन नहीं के बराबर, स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं के बराबर करता है,
लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग इससे प्रश्न पूछते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये दोनों आयोग स्टोन एज से प्रश्न पूछते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता है। देखिए प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक कंसेप्शन पर होता है और एक फैक्चुअल पर होता है। कंसेप्शन का होता है और एक तथ्यात्मक या फैक्चुअल होता है। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश प्रश्न वो तथ्यात्मक होते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में इस अध्याय से प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के छात्र भी पढ़ेंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के छात्र भी पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के छात्र जो हैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के जो छात्र हैं वो कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों पर ध्यान देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इतिहास का एक समग्र जानकारी है फिर आप जो है मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप प्रश्नों का जवाब वहां आसानी से देंगे। वहां क्वेश्चन कोई बहुत डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा का आधार आपका सामान्य अध्ययन का इसी सबसे बनता है। इसलिए आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा। संघ लोक सेवा आयोग के छात्र इस वीडियो को दो से तीन या तीन से चार बार देख ले और राज्य लोक सेवा आयोग के छात्र जो है उस वीडियो को 5 से 6 बार देख ले, क्योंकि उनका फैक्चुअल इनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए राज्य लोक सेवा आयोग के पास। बात को आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं पाषाण काल से वह कुछ क्षेत्रों से पूछे जाते हैं। अगर प्रश्नों के स्वरूप का हम अध्ययन करें तो कुछ क्षेत्र से पूछा जाता है, जैसे कि आपसे व्यक्ति के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा कि व्यक्ति किस चीज से जुड़े थे, कौन खोजा था, ये सब आपसे पर्संस के बारे में पूछ लिया जाएगा, या आपसे किसी स्थल की जगह के बारे में पूछ लिया जाएगा या उनके कृषि के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या पशुपालन के बारे में क्वेश्चन कर दिया जाएगा। प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, सतही होते हैं, प्रश्न ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में भी इस पर जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए ज्यादा इसके लिए आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना आपको इस लेक्चर में बता रहा हूं आप उतना ही याद कर लीजिएगा, किसी भी परीक्षा के लिए वह काफी है। अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर, स्टोन एज पर। हम लोग अब कहां आते हैं, स्टोन एज पर। मैंने आपको कहा है कि प्रागैतिहासिक भारत, एक मिनट और मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रागैतिहासिक भारत को दो भाग में बांटा गया था, जो मैंने कुछ देर पहले कहा था, पाषाण युग और धातु युग। धातु युग में सबसे पहले ताम्र पाषाण काल का प्रयोग हुआ भारत में, तांबा का प्रयोग हुआ, उसके बाद कांसा का प्रयोग हुआ ब्रॉन्ज, और फिर जो है लोहा का प्रयोग हुआ। लेकिन कभी कभी विश्व स्तर पर भी यहां से प्रश्न कर लिए जाते हैं, जैसे कोपेनहेगन संग्रहालय जो डेनमार्क में है, कोपेनहेगन संग्रहालय, तो उसके जो सामग्री उसमें जो सामग्री रखा गया उसके अध्ययन के आधार पर एक थॉमसन महोदय थे, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, इसलिए मैं आपको यहां बता देता हूं। और उन्होंने प्रागैतिहासिक भारत को तीन भाग में बांटा, तीन चरणों में बांटा, एक का नाम रखा पाषाण युग, दूसरा का कांसा और तीसरा का लोहा। ये थॉमसन के अनुसार है और भारतीय संदर्भ में पाषाण युग, ताम्रपाषाण काल, फिर कांसा, फिर लोहा, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अब हम लोग आते हैं पाषाण युग पर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब पाषाण युग में पढ़ाऊंगा, प्रागैतिहासिक भारत पढ़ाऊंगा,
तो फिर मैं आपको एक डेट पढ़ाऊंगा। देखिए, मानव के सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत आज से 30 लाख साल पहले से शुरू होती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर इसका डेट निर्धारण किया जाए तो 5 लाख बीसी से ज्यादा पुराना नहीं है। कितना पुराना नहीं है? 5 लाख बीसी से ज्यादा पुराना नहीं है। भारत में आदिम मानव का साक्ष्य जो सबसे पुराना मिला है वो 2.5 लाख बीसी का है, लेकिन मानव का साक्ष्य नहीं मिला, पत्थर के औजार के आधार पर हम लोग यह समझते हैं कि मानव यहां पर निवास करता होगा, साक्ष्य नहीं मिला है हमें। हमने कुछ पहले क्लास में बताया था कि महाराष्ट्र में बोरी एक जगह है, वहां से 14 लाख बीसी का पुराना साक्ष्य मिला है, लेकिन वह संदेहास्पद है। वो क्या है? संदेहास्पद है। इसलिए भारत में जो मानव के जो पाषाण युगीन मानव थे उनका 5 लाख बीसी से पुराना ये हम डेट नहीं रख सकते हैं। और पाषाण युग की जो समाप्ति है, जो प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति है, वो 600 बीसी तक जाता है। प्रागैतिहासिक भारत को हम लोग 600 बीसी तक रख सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पाषाण प्रागैतिहासिक भारत भी है और आध्य प्रोटो हिस्ट्री भी है, आध्य ऐतिहासिक भी है, दोनों शामिल हो जाता है। क्योंकि तांबा का प्रयोग सिंधुवासी करते थे, पाषाणी कृष्ण पर प्रयोग करते थे, और उस कांसा का प्रयोग सिंधुवासी करते थे, और लोहा का प्रयोग वैदिक कालीन करते थे। इसलिए जो पूरा पीरियड है 600 BC तक, क्योंकि इतिहास तो दो ही भाग में है, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। सुविधा के लिए हमने आदि इतिहास का निर्माण किया, क्योंकि हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं और भाषा का और सिंधु सभ्यता के पास लिखने की वैदिक सभ्यता के पास लिखने का उन्होंने लिखा 600 BC में शुरू किया, इसलिए जो है हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पाषाण युग को तीन भाग में बांटा जाता है, पूरा पाषाण का नौ पाषाण काल सॉरी मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल को। इसको मेसोलिथिक और इसको नियोलिथिक। इसका जो समय है 5 लाख BC से 10,000 BC तक, और मेसोलिथिक का जो पीरियड है वो है 10,000 BC से 6,000 BC, और नियोलिथिक का जो पीरियड है वह आपका 6,000 BC से 3,000 BC तक। दक्षिण भारत में नौ पाषाण काल 1,000 BC तक चला जाता है। अब आप कहेंगे सर कि आपने तो 3,000 BC तक का ही बताया, और आप कहाँ बोल रहे थे कि प्रागैतिहासिक भारत 600 BC तक जाता है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि प्रागैतिहासिक भारत के दो भाग हैं, एक है पाषाण युग और एक धातु युग। 3,000 BC के बाद धातु युग की शुरुआत होती है। पहले तांबा का प्रयोग होगा, फिर कांसा का और फिर लोहा का। यह हम जब ताम पाषाण काल पढ़ाएंगे, जब आद्य ऐतिहासिक भारत के जो दो महान सभ्यता है सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता ये पढ़ाएंगे तो समय आपको क्लियर होगा। अभी आप लोग पाषाण युग पर ही केंद्रित करें। पाषाण युग कब से कब तक है? 5 लाख से लेके 3,000 BC तक है। पाषाण काल कब तक है? 5 लाख BC से 3,000 BC तक।
मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत ही सिंपल ढंग से हम पढ़ा देंगे, और कुछ तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह भी उतना आवश्यक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा कि कैसे कुछ कंसेप्शन वाला कंसेप्ट नहीं कवर होना चाहिए। अब हम लोग पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। मैंने अंग्रेजी में इसका पैलियोलिथिक एज बताया था आपको, पैलियोलिथिक एज। देखिए यह जो डिवीजन किया गया, पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, इसको लोअर भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसको मिडिल पैलियोलिथिक भी कहते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसका जो है अपर, इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, UPPER। जो निम्न पूरा पाषाण काल का समय है वो 5,00,000 BC से 50,000 BC तक, मध्य पूरा पाषाण काल का समय 50,000 BC से 40,000 BC तक, और अपर का 40,000 BC से 10,000 BC तक। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि न्यून पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांटा गया, न्यून पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। इनका समय 5,00,000 BC से 50,000 BC तक है, 50,000 BC से 40,000 BC तक है, और 40,000 BC से 10,000 BC तक है। यह डिवीजन जो किया गया वह जलवायु के बदलते आधार पर किया गया। कैसे कैसे किया गया? जलवायु के जो बदल रहा था और जो उनका तकनीकी परिवर्तन जो हो रहा था, पत्थर के जो तकनीकी परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर है, जो उनका पत्थर का औजार जो था उसमें क्या क्या डिफरेंट आ रहा था, उसी के आधार पर ये तीन डिवीजन किया गया। ये तीनों डिवीजन, जो तीनों विभाजन है, किया गया। अब हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको यहीं पर याद करा दिया जाए, निम्न पूरा पाषाण काल 5,00,000 से बीसी से 50,000 BC। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, और ये मद्रास का, जो आजकल चेन्नई कहते हैं, मद्रास का नया नाम क्या हो गया? चेन्नई। पहले मद्रास कहलाता था, अब चेन्नई कहलाते थे। यहीं पर मद्रास के पास ही एक जगह है पलवरम, यहीं पर पलवरम है, और यहीं पर एक नदी घाटी है जिसका नाम है कोर्टलायर नदी घाटी। क्या कहते हैं? कोर्टलायर नदी घाटी। यहीं से 1863 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट भूवैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे, तो ये भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही पलवरम से हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी जिसको इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं, ये प्राप्त किया।
इसी पलवरम के नीचे एक जगह था अतीर मपकम, और इन्हीं के एक मित्र थे विलियम किंग, उन्हें उनको भी यहां से एक हाथ की कुल्हाड़ी मिला। और इसी कारण इस पूरे संस्कृति को मद्रास में जो पाई गई, मद्रास या चेन्नई के आसपास जो पाया कुर्ता नदी घाटी को, तो इसको हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति का नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? हैंड एक्स, समझते ही होंगे, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स और क्लीवर संस्कृति का नाम दिया गया। हम बता देते हैं क्लीवर क्या है। देखिए, न्यून पुरापाषाण काल के लोग तीन प्रकार के औजार बनाते थे। कौन कौन औजार बनाते थे? तो एक हाथ की कुल्हाड़ी बनाते थे, हैंड एक्स इसको कहते थे, एक खंडक बनाते थे और एक विदारणी बनाते थे। खंडक चौपर, विदारणी क्लेवर। तो ये क्लीवर वही है आपको, जो ये तीन प्रकार के औजार बनाते थे, तो इसी के नाम पर हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति इसका नाम रख दिया गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहां से प्रश्न आते हैं, पूछ दिया जाएगा कि कब पता लगाया, तो 1863 में पता लगाया, भूवैज्ञानिक थे या रॉबर्ट बिस्फुट, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कहाँ मिला, तो अतीर मपकम में मिला, सॉरी पलवरम में मिला, फिर कहाँ मिला, तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी है, पाकिस्तान में क्या है? सोहन नदी घाटी है। वहां पर भी यह निम्न प्रपाषाणकालीन औजार मिले हैं, वो डी टेरा एवं पेटरसन। ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। डी टेरा एवं पेटरसन थे, उन्होंने ही सोहन नदी घाटी में जो है चौपर चौपिंग पेबू संस्कृति का पता लगाया। चौपर चौपिंग पेबू संस्कृति, वो ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए पाकिस्तान में है यह। और सोहन नदी घाटी जिसको कहते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में है। इसमें होता था कि पत्थर जो होता था पानी में चिकना हो जाता था, उसी को पेबुल कहा जाता था। आप लोग इतना ही समझिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में आप लोगों से नहीं पूछेगा, बस यही रखना है कि चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है। अभी न्यून पुरापाषाण काल के जो हथियार थे, जो पत्थर के बनते थे, वो किस प्रकार के पत्थर के बनते थे? यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस प्रकार के पत्थर के ये बनते थे। तो देखा जाए तो ये क्वार्जाइट पत्थर के बनते थे। किस पत्थर के बनते थे? क्वार्जाइट पत्थर के बनते थे। इस काल में पूरा जो था बर्फ था, आइस था, और पशु का जीवाश्म तो मिला है, लेकिन फॉसिल्स, जब जीवाश्म का अंग्रेजी होता है फॉसिल्स, लेकिन मानव का जीवाश्म नहीं मिला। ये लोग खाद्य संग्रह करते थे, फूड गैदरर थे और शिकारी थे। और क्या थे? शिकारी थे। अब क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि निम्न पुरापाषाण काल के लोग कहां कहां बसते थे। तो देखिए, बहुत याद रखने से फायदा है नहीं है कि कौन कौन जगह बसते थे। अगर हम यह याद कर ले कि कहाँ कहाँ नहीं बसते थे, तो हमारा काम चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ बसते थे। देखिए, पत्थर तो इनको चाहिए ही चाहिए, नेचुरल बात है कि ये अपने पत्थर के औजार के द्वारा ही ना जीवित, पत्थर के काला जाने जाते थे। जहां पत्थर मिलेगा वहां ये बसेंगे, जहां पत्थर नहीं मिलेगा वहां ये नहीं बसेंगे। तो ये गंगा जमुना के मैदान में नहीं बसेंगे, बाकी सब जगह बसेंगे जहां 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 पत्थर है। कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखिएगा, भीमबेटका का यहां पर नाम आता है। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और ये गुफा है एक प्रकार का जहां सराश्रय था। तो ये जो था पहले यहां निम्न पुरापाषाण काल के लोग रहते थे। यहां पर अभी चित्रकला का यहां से साक्ष्य नहीं मिलता है, या यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। यह है आपका निम्न पुरापाषाण काल। उम्मीद है कि आप लोगों को यह मतलब अब दिक्कत नहीं होगा।
अब हम लोग आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, पहले जो हथियार बनते थे वो क्वार्जाइट पत्थर के बनते थे, लेकिन अब जो बनने लगे वो जैस्पर, क्वार्जाइट पत्थर के बनते ही थे लेकिन अब जैस्पर और चट के भी बनने लगे। ये मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी है। मध्य पूरा पाषाण काल में बहुत ज्यादा यहां पर अगर देखा जाए तो एक जगह है निवासा, निवासा यह महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे है। इस थे एचडी सांकलिया, क्या नाम था, एचडी सांकलिया। उन्होंने ही मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल का पता लगाया था और जो निवासा है उसको मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया। प्रारूप स्थल घोषित किया, यही है मध्य पूरा पाषाण काल का के बारे में। यह भी जो था एक आईसीएस था और इस समय भी जो लोग थे वो खाद्य संग्रह पर ही जीते थे, फूड प्रोड्यूसर नहीं बने थे और शिकारी थे। यही सब आपको ध्यान रखना होगा। ये भी गंगा और यमुना के मैदान छोड़कर बाकी सभी जगह बसे जहां उनको पत्थर मिलता था। मध्य पूरा पाषाण काल का समय मैंने बता ही दिया था आपको, 50,000 BC से 40,000 BC, यह आपका मध्य पूरा पाषाण काल है। उसके बाद आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पेलोलिथिक एज। अपर पेलोलिथिक एज, इसका समय 40,000 BC से 10,000 BC तक। आप लोगों को मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताया था और इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है होमो सेपियंस मानव का उदय। इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, होमो सेपियंस मानव। इसी समय ज्ञानी मानव पहली बार आए, इसी समय सबसे पहले ज्ञानी मानव। ब्लेड सबसे पहले इसी समय आया था, ब्लेड इसको याद रखिएगा। होमो सेपियंस सॉरी अपर पैलियोलिथिक एज में ही सबसे प्रमुख औजार जो है इनका ब्लेड था। ये पत्थर चकमक पत्थर का उद्योग इन्होंने ही सबसे पहले स्थापित किया था। चकमक पत्थर का जो उद्योग होता है उन्होंने ही सबसे पहले स्थापित किया था। और भी इसमें जो सबसे बड़ा बात है भीमबेटका, मैंने बताया था कुछ देर पहले कि भीमबेटका का जो पहले उपयोग होता था वो सलास्रे के रूप में होता था, लेकिन यहां पर चित्रकला का प्रमाण मिला है, चित्रकला का प्रमाण मिला है इसमें शिकार करते हुए बहुत सच। लेकिन एक चीज जो है जो जिस चीज का प्रमाण नहीं मिला है कि अनाज पर जो पक्षी बैठते थे उसका प्रमाण नहीं मिला है। इसका अर्थ है कि अभी भी ये लोग खाद्य संग्रह ही करते थे और शिकारी थे, अभी भी जो था वो आइस एज ही था। भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं वह
लाल, हरा, पीला और उजला कलर का है। बहुत आश्चर्य होता है, भीमबेटका की जो गुफा है इसको बीएस वाकनकर ने खोला था, खोजा था, बीएस वाकनकर, सॉरी वनंगकर ने खोजा था 1957 में। ये लोग चित्र कला कैसे बनाते थे, जहां बैठने का स्थान नहीं था और अंधेरी गुफा था, ये लोग बैठकर वहां पर चित्र बनाते थे। ये लोग शायद चकमक उद्योग की, चकमक पत्थर का प्रयोग, फ्लिंट ग्लास का प्रयोग करते थे, उसी की रोशनी से ये चित्र बनाते थे, अपने मनोभाव को चित्रों के माध्यम से या व्यक्त करते थे। यह हो गया आपका होमो सेपियंस। इस समय हड्डी की मातृदेवी भी मिली है, हड्डी की मातृदेवी भी मिली है। यह सब इस काल का इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। हाँ, एक चीज और, इस काल में टोली का निर्माण हो चुका था। इस काल में क्या था, टोली का निर्माण हो चुका था, और ये टोली जो थे 25 लोगों, इसमें ज्यादा लोग 25 तक लोग रहते थे, और ये लोग आपस में भाषा या संकेत के माध्यम से प्रयोग, भाषा या संकेत के माध्यम से अपने को एक दूसरे को निर्देशित करते रहते थे। यह सब इस काल का कुछ प्रमुख बात है। आज का क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। तब तक के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो को इसलिए छोटा कर दिए हैं, ये थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो याद करने में, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, वीडियो का जो आवर है उसको थोड़ा कम कर दिया गया, टाइम कम कर दिया गया। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।